हेलो दोस्तों, थोड़ा कैमरा धुंधला रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा अंदर से धूल लकड़ होगी ना, उसमें क्लियर हो नहीं पा रहा है इसी वजह से। तो बैक से मैं ज़्यादा बनाऊंगा, फ्रंट से कम बनाऊंगा क्योंकि कैमरा क्लियर ही नहीं आ पा रहा ना, इसलिए कुछ टाइम की बात है बस। चलो अभी सबसे पहले चलते हैं खेत, सेब के बगीचे में, खेत में सनसेट देखो, बढ़िया सा सनसेट हो रहा है। ये देखो मस्त सा बट एक बात समझ में नहीं आ रही है, देखो जंगलों की आग देखो कितनी भयंकर आग लगी है, धुआं ही धुआं हो गया ऐसा सब जगह, कितना ही फोकस कर लो लेकिन धुआं ही धुआं हो रहा है, सब ब्लैक ब्लैक। और ये देखो बढ़िया सा सनसेट होने वाला है, मैं थोड़ा लेट हो गया, पहले जाना चाहिए था बट एनीवे देखो धुआं ही धुआं हो गया, पता नहीं कौन लगा दिया जंगलों में, बस पास के जंगलों में ना पहुँचे आग, बस और कुछ नहीं, बाकी डर इतनी है नहीं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फार्म हाउस में, अब देखो सनसेट बढ़िया सा सनसेट हो रहा है, अब थोड़ी देर पहले भी दिखाया था लेकिन दोबारा दिखाता हूँ मैं। और ये देखो आगे क्योंकि यहाँ से पूरा क्लियर दिखता है ना, देखो कितने ऊपर तक आग पहुंच चुके हैं, ऊपर बांज के पेड़ों में ना ही बस वही दिक्कत है, वो ना ही बस बाकी सब ओके है। देखो कितना बढ़िया सा सनसेट हो रहा है, वाह मज़ा आ गया। और ये देखो पानी पानी भर चुके हैं, मतलब इसमें फुल तो भर नहीं रहे आजकल क्योंकि ये वेस्ट हो जा रहे हैं ना, वो देखो बंद किया है लकड़ी से तो इससे वेस्ट हो जा रहा है। परसों क्या हुआ ना, पता नहीं कौन आया यहाँ पे, ये सब पीछे के बन नहीं, सब ये सब गिराया हुआ है, गिराया हुआ था बड़े वाले हौज बोल लो, टैंक बोल लो, बाकी बच्चे तो स्विमिंग पूल भी बोलते हैं इसे, कुछ भी बोल लो, इसको भी भरना है नहीं क्योंकि पहले इसको क्लीन करना है उसके बाद ही भरेंगे। अभी सारा पानी नीचे लगा रखा है, नीचे जो है सेब के पेड़ हो रहे हैं अच्छे खासे दोबारा से, और इसमें जो है अभी मैं नीचे आके दिखाता हूँ, आजकल बहुत बढ़िया इसमें कलियाँ आ रही, उस कलियों में एक ही दिक्कत हो रही, जो लंगूर हो गया या बंदर हो गया वो उनको तोड़ तोड़ के खा जाते हैं, क्योंकि सेब के जो उनमें नई नई कलियाँ आ रही हैं ना, उन कलियों में जो है मीठापन होते हैं ना, उसी को तोड़ तोड़ के वो बंदर अंदर सब खा जाते हैं। नीचे आके दिखाता हूँ पहले मैं आपको, यहाँ से नहीं चलते हैं धूल आएगी, यहीं से ही चलते हैं। ये देखो अखरोट का पेड़ भी कितना बढ़िया हो रहा है, फिलहाल हो तो रहे लेकिन दिक्कत वही है ना कि ख़राब ना हो, बस हो गया और कुछ नहीं। ये देखो एक शॉट दिखाऊँ मैं यहाँ पे, बढ़िया सा स्लो मोशन करके दिखाऊँगा, हाँ देखो मैं आ चुका हूँ नीचे और दिखाऊँ आपको। ये देखो पेड़ है ना, पेड़ में ये देखो छोटी छोटी इन्हें पत्तियाँ आ रही है, देखो बड़े वाली पत्तियाँ तो आ रही हैं, बस वही है कि आके तोड़ ना जाए और कुछ नहीं। आज के लिए खेत भी खोद दिए क्योंकि इनमें कुछ लगा देना, देखो अच्छा अच्छा पत्तियाँ तो आ रही हैं, सारे पेड़ों में आ रही हैं, बस दिक्कत वही है अब ये सारे खेत खोद दिए हैं, इनमें गहत वगैरह या भट वगैरह कुछ लगा देंगे। एक तो यहाँ कुछ हल्दी और वो लगानी है इस बार शायद, जहाँ तक है हल्दी और अदरक, क्योंकि उससे जो है एक तो पारबाड़ भी है इसमें, जाली से पैक कर रखा है, और उस चीज़ को वैसे कोई खाता है नहीं, जंगली जानवर भी नहीं खाते हैं और ना उसको बर्बाद करते हैं, बट दिक्कत यही है कि वो लग जाए अच्छे से बस हो गया। बाकी खेतों में नमी भी बहुत अच्छी वाली नमी हो रही खेतों में, इस पेड़ में देखो ये कितने सारे बड़े बड़े पेड़ आ रहे हैं, ये देखो बड़े बड़े पत्तियाँ आ रही, पेड़ कह दे रहा इसमें अच्छी आ रही, मतलब सभी में आ ही रही हैं, ये देखो इनमें देखो, ये देखो ये इसमें ये बढ़िया सी पत्तियाँ आ रही, पानी की कोई कमी है नहीं यहाँ पे। ये देखो पानी टपक रहे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो ऐसे टपकते टपकते हर जगह छेद छेद है, तो उन छेदों के द्वारा जो है पूरे खेत
नमी हो जाती है, मतलब दिन दो तीन दिन अगर ऐसे ही छोड़ दो ना पूरे खेत में नमी हो जाती है अच्छी खासी। इन खेतों में नमी है देखो, बाकी बाकी खेतों में देखो बिल्कुल नमी नहीं है, और इन खेतों में अच्छी खासी नमी हो रही। अब इसके ऊपर जाली लगा रहे थे लेकिन ऐसी करके, लेकिन इसके लिए जाली अभी आई नहीं है, जाली आएगी तो इसके ऊपर जाली भी लगा देंगे अच्छे से। तो अब इनमें पहले वो लगाएंगे फिर उसके बाद जो है बाकी काम करेंगे। ये इसमें भी इतनी, जब ये पाइप लगाए थे हाँ उस दिन ब्लॉग बनाने वाला था लेकिन काम करना था, ब्लॉग दोनों चीज़ हो नहीं पाई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ब्लॉग बाद में बना लेंगे, पहले इस काम को ही निपटाते हैं। हम लोग ने ये काम निपटाया, अभी जो है सारे खेतों में अभी ये खेत खोदने बाकी, ऊपर वाला खोदना है, ये वाला खेत खोदना है, इनमें हल्दी और इस बार इसमें हल्दी और अदरक लगाएंगे या कुछ देखते हैं क्या लगाते हैं, मतलब सोचा है वो लगाएंगे करके, लेकिन देखते हैं क्या लगाते हैं इनमें। फिलहाल सब जगह पानी जा रहे है, वो देखो पूरी नमी हो रही है अच्छे से, हर जगह पानी जा रहे है, बहुत अच्छे से पानी जा रहे है। बस फिलहाल इसको करते हैं एंड और मैं चलता हूँ अभी घर की तरफ, क्योंकि फिर रात भी होने वाली है ना। देखो आग, देखो भाई कौन लगा दे रहा है जंगलों में आग, पता नहीं समझ नहीं आता कैसे कैसे लग जाती होगी उन लोगों को आग लगाने जैसी। अब इतने खासे अच्छे बांज हो रहे हैं आजकल, अगर और बांज के पत्ते मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई था कितने जंगल में सारे के सारे पत्ते गिर रखे हैं, आजकल नई कलियाँ आ रखी है, अगर आग लग गई तो बुझानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखो पूरी नई नई कलियाँ आ रखी हैं, पूरे पुराने पत्ते सारे गिर रखे हैं और अच्छे से सूख भी रखे हैं, अगर आग लगी तो बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सनसेट में क्या रौनक आ जा रही है सनसेट में, वाओ। एक और शाम हो गई, एक और दिन ढल गया, एक और शाम हो गई, एक और दिन ढल गया, इस जिंदगी की किताब से एक और दिन निकल गया। चलो एक शायरी मुझे याद आई थी तो मैंने वो भी बोल दी। मुझे लग रही पानी की प्यास, सबसे पहले मैं पीता हूँ पानी। पानी कहाँ से पिए, कहाँ से पिए, कहाँ से पिए, कहाँ पे होगा खोलने जैसा, हो यहीं पे खोल देते हैं, इसी को ही खोल देते हैं। ये देखो लॉक, देखो लॉक है ना, इसको खोलो, ये देखो पूरा अच्छे से पानी आ गया, पीने वाला पानी है, अच्छा है, साफ पानी है। वैसे भी इस पानी को ना 1 किलोमीटर दूर से लेके आए हैं, जहाँ आग लगी ना उस इस वाले खोले से पूरा यहाँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई, तो वहाँ से पानी लेके आ रखे हैं, भरपूर पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है। पहले हम पानी पी लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। हाय, इसको कर देते हैं लॉक, ये है ना, इसको कर देते हैं लॉक, ताकि लॉक से सिर्फ यहीं पे प्रेशर पानी का ना आए, हर जगह पानी का प्रेशर बढ़ जाए। हो जाए भाई, एक हाथ से हो नहीं पाएगा का, हो गया लॉक हो गया। यहाँ पे खोल देता मैं तो और जगह प्रेशर नहीं जाता ना, फिर इससे अच्छा सब जगह करो, सब जगह बराबर प्रेशर में पानी जाएगा। चलो गाइज अभी यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। One day later. Good morning guys. Time देखो कितना हो गया, 6:48 दिखाऊं आपको, ये देखो 6:49 हो गया, और सुबह की धूप देखो कितने ऊपर पहुंच गई ना, बहुत जल्दी धूप आ जाती है गांव पे। चलो पहले फ्रेश होते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइज हम लोग जो है सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद, जो मैंने सुबह दिखाया था कितना बढ़िया सन, जो सुबह सुबह कितनी जल्दी जल्दी धूप आ जाती है गांव में, तो उसके बाद हम लोग अभी सब कुछ रेडी होके हम चल रहे हैं सीधे पार्टी की तरफ, और वहां जाएंगे फिर तो वहां शायद देखते हैं क्या होता है, या तो दूसरे ब्लॉग में आएगा देवीधरा मंदिर महाबारी धाम, या फिर इसी ब्लॉग में दिखाएंगे, देखो क्या होता है। पहले इसको तो कंप्लीट करते हैं, पहले हम चलते हैं सीधे वहाँ पे, फिर वहाँ जाके ही पता चलेगा। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना उसी वजह से दिक्कत हो जा रही, नहीं तो मैं अलग ब्लॉग दिखाता या इसी में दिखाता, लंबा होने की वजह से नेक्स्ट ही दिखाएंगे जहाँ तक है। अब देखते हैं क्या होता है, फिलहाल चलते हैं। गाइज आज संडे की वजह से कोई गाड़ियाँ भी नहीं आई, बड़ी मुश्किल से मुझे एक गाड़ी मिली है, अब जहाँ से चलते हैं सीधे, और आज तो ऐसे गाड़ियाँ भी नहीं है क्योंकि संडे है ना, पूरा मार्केट भी ऑफ है, देख लो कोई कोई दुकानें खुली, अब मुझे सामान भी नहीं मिला। चलो पहले हम यहाँ से चलते हैं फिलहाल। गाइज ये देखो इन लोग का सर्वे होने लग गया, ये रोड चौड़ी हो रही ना, ये लोग भी सर्वे में लग चुके हैं।
शाम पहुंच चुके हैं मावारी धाम देवी धाम में। चलो अब यहाँ से चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मंदिर। ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, बहुत सारे हैं। चलो बैग उतारते हैं।